السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الهدي في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم حضرات دنیا میں رہنے والا ہر انسان اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا مستقبل شاندار ہو اس کا مستقبل حسین ہو دن کے خیال راتوں کے خواب یہی ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر میری زندگی آرام والی ہو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی مشکل نہ ہو اسی طرح وہ مستقبل سنوارنے کے لیے ہر تکلیف کو گوارا کر لیتا ہے مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے اس لالچ میں کہ رات کو اسے کچھ ملے گا طالب علم ساری رات پڑھتا رہتا ہے اس لالچ میں کہ اسے ڈگری ملے گی دکاندار سارا دن دکان کھولتا ہے کہ اسے پیسے ملیں گے بچوں کے لیے روزی ملے گی تاجر تجارت کرتا ہے تاکہ اسے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں دنیا کا سکون لینے کے لیے یہ انسان اتنا کچھ کرتا ہے مگر یہی انسان جو دنیا کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا بھکاری بھی بن گیا تھا ظلم بھی برداشت کر رہا تھا دنیا کے اندر میرا مستقبل سنور جائے پتہ نہیں کیوں اپنی آخرت سے غافل ہے پتہ نہیں کیوں قیامت کے روز سے غافل ہے پتہ نہیں کیوں قبر کے عذابوں سے غافل ہے کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا حادثہ ہو جائے یا وہ بیمار ہو جائے کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا خسارہ ہو جائے اس کا نقصان ہو جائے کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ اس کو رسوا کر دیں ذلیل کر دیں اگر ہم دنیا کے اندر یہ سب کچھ نہیں چاہتے تو پھر ہم آخرت کا نقصان کیوں کر رہے ہیں ہم اچھے بھلے عقل مند ہیں ہم کوئی پاگل تو نہیں ہیں لیکن ہمیں یہ فکر کیوں نہیں کہ آخر ایک دن ہم نے قبرستان میں جانا ہے کیا
हम दुनिया का नुकसान बर्दाश्त नहीं करते तो आखिरत का कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। लम्हा भर के लिए सोचिए, हम घर में रह रहे हैं, गाड़ी हमारे पास है, हर चीज हमारे पास है, अचानक आने वाला आए और कहे घर भी छोड़ दो, गाड़ी भी छोड़ दो और चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। कितना बदनसीब है वो इंसान जिसने दुनिया की जिंदगी को आखिरत की जिंदगी पर तरजीह दी। 50,000 साल की जिंदगी पर इस 1.5 मिनट की जिंदगी को तरजीह देता रहा। बल तो से रून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैर व अबका। तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो हालांकि तुम्हारे लिए आखिरत की जिंदगी बेहतर है। कितना बदकिस्मत है वो इंसान और बदनसीब है वो इंसान जो सारी जिंदगी अपनी तखलीक का मकसद ही नहीं समझ सका कि अल्लाह ने मुझे पैदा किस लिए किया था, मैं दुनिया में आया किस लिए था, मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या था। हालांकि अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है, उमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बदनसीब तो वो है जिसने दुनिया की हर चीज की कदर की मगर अगर नहीं कदर की तो अपने अल्लाह की। हमने हर चीज की कदर की, इंसानों की कदर की, चौधरियों की कदर की, हुक्मरानों की कदर की, और जो मालिकुल मुल्क था, जो खालिक कायनात था, उसकी कदर करना भूल गए। उमा कदरुल्लाह हक्का कदर, इन लोगों ने अपने रब की कदर ही नहीं की। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, आखिर तुम्हें रब का एहतराम आता क्यों नहीं? आखिर अल्लाह के बंदे होके तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत करना क्यों नहीं आती? अल्लाह की बातों को रद्द करते हैं, अल्लाह के खिलाफ बोलते हैं, अल्लाह के हुक्मों को पामाल करते हैं। बदनसीब तो वो है जो दुनिया में आ तो गया मगर उसे जाने का यकीन नहीं है, उसे मौत का यकीन नहीं है, उसे हिसाबो किताब का यकीन नहीं है। हालांकि अल्लाह ने फरमाया इन्ना इलैना इयाबहुम थुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, पलट कर तो तुमने हमारे पास आना है ना, फिर हम तुम्हारा खुद ही हिसाब ले लेंगे। सही बुखारी की हदीस है, अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फिदा हुआ अभी व उम्मी ने फरमाया मनु के शल हिसाब उज़्ज़िबा, रब ने जिससे सख्ती से सवाल कर लिए वो अजाब से बच ना पाएगा। बदनसीब तो वो है जिसने दुनिया वालों की हर चीज मानी, दुनिया वालों की हर बात मानी। कहा गया सुर्ख इशारा है क्रॉस नहीं करना, कहा गया ड्राइविंग लाइसेंस बना लो, कहा गया पासपोर्ट लाजमी है, कहा गया शनाख्ती कार्ड लाजमी है। इस इंसान ने इंसानों की हर बात मानी, अगर नहीं मानी तो इमामुल मुत्तकीन की नहीं मानी, अगर नहीं मानी तो खातमुन नबीयीन की नहीं मानी, अगर नहीं मानी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानी, जिसके बारे में रब्बुल इज्जत ने कुरान में कहा था मा आताकुमुर रसूल फखुदू मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा रसूल तुमको दे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। बदनसीब तो वो है जिसने दुनिया का हर काम किया, अगर नहीं किया तो उसने नमाज नहीं पढ़ी। हम में से कितने बदनसीब हैं, कितने बदनसीब हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह को याद नहीं करते, लंबी तान के सोए होते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान है, वो अपने आप को मुसलमान समझता है, उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक। अमीर المؤمنین उमर बिन खत्ताब رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لا خط له فی الاسلام, جس نے نماز چھوڑی اس کا اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ بدنصیب تو وہ ہے جس کو پتہ ہے ابھی مسجد میں جاؤں گا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو رب سے باتیں کروں گا, अल्लाह मेरी बातों का जवाब देगा, और फिर भी वो तवज्जो ना दे, उससे बड़ा बदनसीब कौन है जो नमाज के करीब नहीं आता।
हर चीज उसकी दुरुस्त हो गई है, उसकी नमाज ही दुरुस्त नहीं हुई। हर चीज उसकी वक्त पे हो गई है मगर उसकी नमाज ही वक्त पे नहीं होती। इतना गफलत में पड़ा हुआ है। बदनसीब तो वो है जिसे मोहलत भी मिले, जिसे टाइम भी मिले मगर वो तौबा ना करे, मगर वो मोहलत से फायदा ना उठाए, मगर वो वक्त से फायदा ना उठाए। अभी वक्त है, अभी हम कब्र में नहीं गए, अभी वक्त है, अभी हमें मौत नहीं आई, अभी वक्त है, अभी मलकुल मौत नहीं आया, अभी तौबा का टाइम है। कल नहीं होगा, पता नहीं कल क्यामत का दिन ना आ जाए हमारा, यानी हमें मौत आ गई तो हमारी क्यामत है। कल कहीं दुनिया से रुखसत ना हो जाए। बदनसीब वह इंसान है जो दुनिया में रहते हुए अपनी मर्जियां करता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फैसला नहीं मानता। दाढ़ी रगड़ के मुंडेगा, कहो रख लो, कहता नहीं मेरी मर्जी। कहो मदीने वाले का फरमान है, सही बुखारी की हदीस है, वाफुल्लिया, दाढ़ी को माफ कर दो, कहता नहीं मेरी मर्जी है। अपनी मनवाएगा, अपनी मर्जियां करेगा, अपनी मनमानियां करेगा। कहो अल्लाह के नबी और इस्लाम का फरमान है, कपड़ा टखनों से ऊपर करना चाहिए मर्द को, नहीं मानता। फरमान सुनाओ, हदीसें सुनाओ, ये बदनसीब तवज्जो नहीं देता। बदनसीब वो है जिसने दुनिया भर से सिला रहमी की, अगर कता ताल्लुकी की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से। हर खानदान का इसे पता है, हर रिश्तेदार का इसे पता है, किससे क्या सलूक करना है, इल्म है। सिर्फ अल्लाह से क्या सलूक करना है, अल्लाह का हुक्म कितना मानना है, उस बारे में बिल्कुल ला इल्म, यही बदनसीब है। बदनसीब तो वो है जो कता ताल्लुकी भी करता है दुनिया वालों से पैसे की खातर, ना रिश्तेदारियों का ख्याल है, ना उसे अपने दोस्तों का ख्याल है। दीन की दावत देनी है, उनको इस्लाम की तरफ लाना है, उनको खैर की तरफ लाना है, रिश्तेदारियां तोड़ डालता है अपने कारोबार के लिए, अपने पैसों के लिए। जबकि हदीस में आया है, वसीलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो ताकि कोई दीन की तरफ आ जाए, ताकि कोई खैर की तरफ आ जाए। बदनसीब तो वो है जो यतीमों का माल खाता है, कितना खा लेगा, कितना कुछ हो जाएगा। बदनसीब तो वो है जो गरीबों को तंग करता है, जो गरीबों को परेशान करता है, उनका जीना हराम करता है। बदनसीब तो वो है जो अपनी बहन का हक भी खा गया, अपनी बहन को तंग करता है, अपनी बहन को परेशान करता है, वापस घर आने पे उसको दुखी करता है, अपनी बहन को ऊपर ज्यादती करता है, बहनों के हक खा जाता है। बदनसीब तो वो है, वो औरत बदनसीब है, वो अल्लाह की बंदी बदनसीब है जो नमाज नहीं पढ़ती, जो पर्दा नहीं करती, जो अपने अल्लाह की नाफरमानी करती है, जो काफरों की मुशाबत करती है, जो मर्दों की मुशाबत करती है, वो औरत बदनसीब है। बालों की कटिंग करवाई जाती है, वो औरत बदनसीब है। जो अपने चेहरे के बाल उखेड़ती है, अबरू के बाल बनाती है, कभी कोई बहाना बना के, कभी कोई लानल्लाह, रब की लानत उन औरतों पर है जो चेहरे के बाल उखेड़ती है, अल्लाह की लानत है। जो औरतें कपड़े पहने होंगी उनका वजूद नजर आएगा, वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकती है। बदनसीब तो वो औरतें हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी अस्लाम ने फरमाया था, या निसा, औरतों में जहन्नम देख के आया, अक्सर वहां औरतें थी, बेपर्दा घूमती हैं, फांसी और यानी का इर्तिकाब करती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुखालफतें करती हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मुखालफतें करती हैं, और नमाज के करीब तक नहीं आती, और न शुक्री करती हैं, और उनको कोई एहसास नहीं है, मौत मुझे भी आनी है, कब्र में मैंने भी जाना है, अल्लाह को जवाब देने हैं। बदनसीब तो वो खामद है इसकी बीवी नेक है, नमाज पढ़ती है, दीन के काम करना चाहती है, खामद रोक देता है, पर्दा उसको करने नहीं देता, नमाज उसको पढ़ने नहीं देता, खैर की तरफ उसको आने नहीं देता, गंदी महफिलों में लेके जाता है। बदनसीब वो मर्द है जो अपनी बीवी को, अपनी औरतों को खुद गुनाह पे मजबूर करता है, वो मर्द बदनसीब है। और बदनसीब वो औलाद भी है
जिनको वालदेन मिले है, हदीस में आता है जिनको वालदेन मिले और वो अपने लिए जन्नत को वाजिब न करें उन पर रब की लानत होती है। वबिल वालिदैनि एहसाना, वालदेन के ऊपर एहसान नहीं करता, उनकी खिदमत नहीं करता, बल्कि वालदेन को गालियां निकालता है। बदनसीब है वो इंसान। कितने माँ बाप की नाफरमानियां होती हैं, कितनी माओ को गालियां निकाली जाती हैं, कितने बच्चे अपनी माओ को धक्के दे के निकाल देते हैं। ये वाक्या भी आपने सुना होगा। बाहर काम करता था एक आदमी, पीछे बीवी का और माँ का झगड़ा होता था। बीवी ने कहा वापस आ और मेरा फैसला कर। वापस आया और बीवी कहती है अगर माँ को घर में रखना है तो मैं तेरे घर में नहीं रहूंगी। सर्दियों का मौसम था, सर्दियों का। बदनसीब इंसान ने क्या किया, आधी रात को माँ को धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। और सुबह फजर के बाद लोगों ने दरवाजा खटखटाया कि तेरे घर के दरवाजे पे तेरी माँ मरी पड़ी है, फोत हो गई है। ऐसे बदनसीब भी है, जबकि माँ के कदमों के पास जन्नत है। माँ सबसे ज्यादा हुस्न सलूक की मुस्तहिक है। इस माँ ने इतने कर्ज उठाए हैं, इस माँ ने इतनी खिदमत इसकी की है। सारी जिंदगी बदला चुकाता रहे तो कभी बदला चुका ना पाए। बदनसीब तो वो है इसने अपने बाप को धक्के दे के अपने घर से निकाल दिया। भाई बताते हैं सारी औलाद इकट्ठी हो गई, कहती है हमारे बाप ने क्या कमा के दिया हमें, लोगों के बापों ने इतना कमाया, हमारे बाप ने क्या कमाया। उसने कहा मैंने मेहनत बड़ी की, कोशिश बड़ी की, मगर मेरे पास इतना ही मैं कमा सका हूँ, इतना ही मेरे मुकद्दर में था। सारे घर वाले इकट्ठे हो, कहते हैं हमारे घर से निकल जाओ, हम तुम्हें अपने घर में रखना नहीं चाहते। बूढ़े बाप को कहा जा रहा है, रिश्तेदारों को बुलाया कि इस हमारे बूढ़े बाप को घर से ले जाओ वरना हम इसको थप्पड़ मारेंगे, इसका बुरा हाल करेंगे, बल्कि बाप को थप्पड़ मारे। रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो गए, कौन इसको लेगा, जब औलाद नहीं रखती तो लोग कैसे रखेंगे। कोई कहता है तुम ले जाओ, कोई कहता है तुम ले जाओ, अभी फैसला कर रहे हैं। आसमान के रब ने कहा तुम में से कोई नहीं इसको लेता तो इसको मैं ले लेता हूं। मलकुल मौत आ गया, उसकी जान निकल गई। सऊदी अरब का वाकया, खलीज का वाकया, ऐसी बदनसीब औलाद भी होती है। केस अदालत में आया, नौजवान लड़का अपनी मां को नशा करके, नशा करवा के बदकारी करता रहा। किस वजह से बदला, देश की वजह से, फिल्मों की वजह से, इस गंदे मीडिया की वजह से, फिल्में देखता हुआ अपनी मां से बदकारी करता रहा। कितने ऐसे वाकयात मिलते हैं। अखबार में मैंने खबर पढ़ी, एक आदमी अपने घर में खड़ा था, पीछे से किसी ने उस पर हमला किया, खंजर से हमला हुआ। उसने आवाज दी बेटा देख किसने मुझ पर हमला किया, पलट के देखा तो अपना ही बेटा खंजर मार रहा था। बदनसीब वो औलाद है जो अपने वालिदैन को गालियां निकालती है, बुरा भला कहती है, ये फारग है घर में क्यों बैठे हुए हैं, इनको खांसी है, ये बीमार हैं, बच्चों वाली इनकी आते हैं। बदनसीब है जो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत नहीं पाते। और बदनसीब वो वालिदैन भी हैं जिनको औलाद नेक मिल जाए, औलाद दीनदार मिल जाए, औलाद अकीदा तौहीद वाली मिल जाए, औलाद उनको सुन्नत वाली मिल जाए, औलाद उनको नमाज मिल जाए, मगर माँ बाप जद्दी पुश्ती काम करते लगे आ रहे हैं। तुम नई बातें लेके आ गए हो, ना सुनेंगे ना गौर करेंगे। अल्लाह के बंदो सुनो तो सही, तुम्हारा अपना बेटा है, इसकी बात तो सुनो, दलाइल तो सुनो, अपने आप को अकल तो दो। मगर बदनसीब सारी जिंदगी कुफ्र और शिरक पे रह जाते हैं और दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। बदनसीब तो वो अकल वाला भी है, इसको रब ने अकल दी है, दिमाग दिया है, मगर शिरक करता है, अल्लाह के हुक्म में दूसरों को शरीक करता है, अल्लाह की सिफात में दूसरों को शरीक करता है, अल्लाह के फैसलों में दूसरों को शरीक करता है, अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक करता है, अल्लाह की तौहीद को भूल गया। कान रब ने दिए थे, दिमाग रब ने दिया था, जबान रब ने दी थी। बदनसीब वो इंसान है जिसने गाने तो सुने हैं, फिल्में तो देखी हैं। बदनसीब वह इंसान है, नावल तो उसने पढ़े हैं, नहीं पढ़ा तो कुरान नहीं पढ़ा।
दुनिया की तालीम हासिल की है, डिग्रियां उसने ली है, मगर कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह की किताब पर तवज्जो नहीं दी, बदनसीब तो वो है। बदनसीब उसको कहते हैं, बदनसीब वो है कि आसमाने रहमत पे अल्लाह आए कि माफी मुझसे मांग, मैं माफ कर दूंगा, और ये कहता है मैंने माफी मांगना ही नहीं, मैंने अल्लाह की तरफ रजू करना ही नहीं। बदनसीब तो वो इंसान है जिसको कोई बार बार नसीहत करे, बार बार समझाया जाए। पांचवा दिन तो आज हमें भी यहां है, कितने हैं जिन्होंने दाढ़ियों का वादा किया होगा, कितने हैं जिनकी नमाजें दुरुस्त हो गई होंगी, कितने हैं जिन्होंने अखलाको किरदार को बेहतर बना लिया होगा, कितने हैं जिन्होंने माँ बाप की इज्जत करना शुरू कर दी होगी, कितने हैं जिन्होंने अपने कपड़े टखनों से ऊपर कर लिए होंगे, कितने हैं जिन औरतों ने पर्दे की पाबंदी करना शुरू कर दी होगी। बदनसीब तो वो है, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयति रब्बी थुम्मा अरदा अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। बार बार उसको नसीहतें की जाती है, तवज्जो नहीं देता, अव्वल तो दर्स में आता ही नहीं, अव्वल तो नसीहत सुनता ही नहीं, अब कहो अब थक जाओगे उसको कहते कहते, घर के पास दर्स हो रहा होगा मगर नहीं आएगा, बदनसीब नहीं सुनेगा, अल्लाह उससे इंतकाम लेने वाला होता है। बदनसीब तो वो है ना नेकी का काम करता है ना करने देता है, रोकता है। बदनसीब तो वो है जिसका दोस्त बड़ा अच्छा है, वो समझाता है, वो डराता है, वो बतलाता है, मगर ये दोस्त की बात मानता ही नहीं, दोस्त की बात पर तवज्जो देता ही नहीं। ये खैरखा दोस्त पैसे नहीं मांगता, ओहदा नहीं मांगता, कुर्सी नहीं मांगता, गाड़ी नहीं मांगता, ये तो नमाज मांगता है, ये तो दीन मांगता है, ये तो इस्लाम मांगता है। बदनसीब वो औलाद है इनके माँ बाप उनको नेक बनता देखना चाहते हैं मगर वो नेक बननी चाहती नहीं। बदनसीब तो वो भी है जो दुनिया के लिए आंसू बहाता है, रोता है, खसारा हो गया, नुकसान हो गया, मेरे कारोबार का मसला हो गया, आज गाक ले आए, फला मसला है, आंखों से आंसू बहाता है, मगर बदनसीब अपने रब के डर से आंसू नहीं बहाता। इस बदनसीब को पता नहीं इन आंसुओं की कदरों कीमत अल्लाह को है, इसको पता नहीं एक आंसू रब के डर से बहाऊंगा तो जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। ऐनान लातमसूहुमुन नार ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह ऐनुन तहरसु फी सबीलिल्लाह। दो आंखों पे रब ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है, एक वो आंख जो रब के रस्ते में पहरा देती है, जिहाद की आंख, किताल की आंख, मारका लड़ने वाली, अल्लाह के शेर जो दुनिया भर में जिहाद कर रहे हैं, एक वो आंख जो फी सबीलिल्लाह जिहाद करते हैं, इलाही कलमतुल्लाह के लिए जिहाद करते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए जिहाद करते हैं, वतन के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं, रब की रजा के लिए, एक वो आंख जो रब के डर से रो पड़ती है। कभी हमारी आंख से आंसू बहे अल्लाह के डर से, कभी हम रोए, एक आंसू बहाने से जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। वरना अबू मूसा अशरी कहते हैं जहन्नमी जहन्नम में इतना रोएंगे कि नदियां बह पड़ेंगी आंसुओं से मगर उनकी खलासी नहीं होगी। बदनसीब तो वो है जिसके दिल में रब का डर नहीं, हुक्मरानों का डर है, अमेरिका का डर है, जालिमों का डर है, अल्लाह का डर नहीं जो कायनात का मालिक खालिक है। बदनसीब तो वो था कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, कातबे वही, फिर मुर्तद हो गया और जाकर कहता है इस नबी का तो आते ही कुछ नहीं, सारा कोई तो मैं बताता था। बदनसीब फौत हुआ, मर गया मर्दूद, बदनसीब कब्र में दफनाया गया, अगले दिन गए देखा कब्र ने उसको बाहर फेंक दिया था। ईसाई सही बुखारी की रिवायत है, दफनाया उन्होंने अगले दिन, फिर शायद मुसलमानों ने शरारत की है, कब्र में दफनाया, गए अगले दिन देखा तो कब्र ने फिर बाहर फेंक दिया था। तीन मरतबा बदनसीब को कब्र में दफनाया गया, जमीन ने उसको कबूल ही नहीं किया। बदनसीब तो वो है, मौत के लम्हात हैं, मौत के लम्हात हैं, वक्त आखिरी आ गया है मगर ये गाने सुन रहा है। तुर्की के अंदर जलजला आया, भाइयों ने बताया
हमने देखा होटलों में लोग बदकारी करते हुए मरे पड़े थे। हम मक्का से मदीना जा रहे थे, रोड पे एक्सीडेंट देखा, गाने लगे हुए, आखिरी लम्हात, हादसा हो चुका। हम करीब गए तो हमने कहा गाने तो बंद कर दो, गाने तो बंद कर दो। तो जो आगे बैठा हुआ ड्राइवर था कहता है और ऊंची आवाज करो, इतना कार फोत हो गया। बदनसीब गुजरांवाला का एक आदमी, आखिरी लम्हात लोग पास बैठे कलमा पढ़ते रहे और वो कह रहा था दो पैसे दो गट्ठा, दो पैसे दो गट्ठा, कारोबार करता था, इसी हालत में मर गया। अखबार में खबर छपी सऊदी अरब में, एक आदमी मरते वक्त उसकी जुबान पे लफ्ज क्या थे, पाकिस्तानी, मरते वक्त शाहरुख का लफ्ज जुबान पर है, कलमा नहीं उसको नसीब हो सका, खात्मा खैर नहीं हो सका। बदनसीब मदीने के अस्पताल में एक्सीडेंट हुआ, लाया गया, डॉक्टर पास कलमा पढ़ रहे हैं, किसकी मौत के लम्हात है ताकि इसको सुकून से मौत आ जाए, ये कलमा पढ़ ले। बड़ी देर चुप रहे, वो आदमी बोला और कहता या डॉक्टर इन्नी लम्मस्ते तेना तकल्लम बेहादिहिल कलिमात, डॉक्टर साहब कोशिश बड़ी करता हूँ मेरी जबान पे कलमा आता ही नहीं है। बदनसीब तो वो है, इसको कलमा नसीब ही नहीं हुआ, खात्मा बुरा हो गया। बदनसीब तो वो है, मौत के लम्हात करीब आए तो कहता है तैजा जाहदहुमुल मौत कालर बिरजू, अल्लाह मौका दे, मैं नमाजें भी पढ़ूंगा, मैं तौबा भी करूंगा, मैं जिना नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, अल्लाह मौका दे। मगर मौत के लम्हात आ गए, अब मौका नहीं मिलेगा। बदनसीब तो वो है, आखिरी लम्हात लम्हात करीब आगे तो कहता है कोई मेरी जान बचाने वाला। बदनसीब मरते वक्त भी दुनिया की बातें करता करता दुनिया से चला गया, कलमा नसीब नहीं हुआ, नमाज कभी चखी नहीं थी, चेहरे पे दाढ़ी आई नहीं है। बदनसीब मरने के बाद शक्ल बदल गई, बदनसीब मरने के बाद रंग उड़ गया, बदबू आने लगी, कहा जल्दी इसको दफना दो, हमारे घर में बदबू फैल गई है। सऊदी अरब के अंदर एक औरत मरी, उसको गुसल को नहीं देता था, रियाद शहर में गुसल को नहीं देता था, आखिर मजबूर करके एक औरत को लाया गया, अंदर बंद कर दिया गया, बाहर उसने गुसल देके निकली तो डर रही थी बेचारी, कहा किसको मुझे गुसल देने के लिए कह दिया, वो तो कुछ चढ़ेल थी, शक्ल ही बदल गई, रंगी काला हो गया। बदनसीब तो वो है, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, पता नहीं कबर में क्या गुजरनी है। बदनसीब तो वो है, कबर निकाली जाती है तो अंदर से सांप निकल आते हैं, एक सांप बुरा हाल करता है, कबर में अजदहे होंगे। बदनसीब इसको कबर में सांप डस रहे होंगे, बिच्छू काट रहे होंगे। बदनसीब कितनी जगह पे कबर कुशाई हुई, बाज दफा आधा जिस्म भी खाया गया है, आधा जिस्म खाया जा चुका था, कितनी जगह पे ऐसा हुआ कि जिस्म बिल्कुल खत्म हो चुका है। अल्लाह के बंदो बदनसीब है वो इंसान जिसको कब्र में अजाब शुरू हो जाता है, गुर्ज फरिश्ते उठाते हैं, इतना जोर से मारते हैं कि रेजा रेजा बंदा हो जाता है। बदनसीब है वो इंसान जिसको सवालों के जवाब नहीं आते, मौत तो हर एक को आनी है मगर बदनसीब तो वो है, यद्रिबू न वजूहुम वअदबारहुम, फरिश्ते जान निकालते वक्त उसको मारना शुरू कर देते, आंखें ऊपर लग जाती है, आ गया वो बिल्कुल मौत जिसका मुझे ख्याल नहीं था। अब जान निकलने लगती है तो जान निकलती नहीं, हमारे इलाके में एक औरत फौत होने लगी, महीना जान नहीं उसकी निकल रही थी, निकली हुई थी, जान नहीं निकल रही थी, परेशान सारा मुआशरा, हत्ता के खुतबा जुमा में दुआ करवाई गई इसको मौत तो आ जाए। बदनसीब है वो इंसान जिसको एहसास नहीं हुआ, जिसको फिक्र नहीं हुई कि कब्र में अजाब बड़े खतरनाक है,
इन्ना अजाब रब्बी का लवा के, अजाब वाकई होने वाला है। और कब्र के अजाब तो बड़े खतरनाक है। बदनसीब है जिसने कब्र के बारे में सोचा ही नहीं कभी, कितनी तंग तरीक वो कोठरी है। कभी सोच लो भाइयों, दारुल फलाह के जेर इत्तेमाम प्रोग्राम में आने वालों, सोच लो उस कब्र में हमारा क्या बनेगा, उस कब्र में जाके हमारा गुजारा कैसे होगा, कौन सा चिराग जलेगा, कौन सी रोशनी होगी, कौन सा दिया जलेगा, कौन हमारे वहां काम आएगा। बदनसीब तो वो है। हदीस में आता है कब्र में जन्नती, जन्नती जो होंगे उनको तो मौजे लगेंगी, और जो जहन्नमी होंगे उनके सामने जन्नत का घर उसको दिखाया जाएगा, वो खुश हो जाएगा कि ये घर पता नहीं मेरा है। फिर उसको दूर कर दिया जाएगा, कहा जाएगा तेरा घर जन्नत में बनाया गया था, तू अहल साबित नहीं हुआ। एक आदमी भूखे को रोटी दिखा के वापस ले ली जाए, प्यासे को पानी दे के वापस ले लिया जाए, नंगे को कपड़े दे के वापस ले लिया जाए, और कोई आपको चाबी गाड़ी की देर वापस ले ले और कोठी की चाबी देर वापस ले ले, कितनी परेशानी होती है। जन्नत का घर दिखा के कहा जाएगा तू इसका अहल ही नहीं है, तेरा ठिकाना जहन्नम की आग है। और क्यामत तक कब्र में अजाब होता रहता है, क्यामत तक आग बरसती रहती है, क्यामत तक बिच्छू काटते रहते हैं। एक दांत दर्द हमें गवारा नहीं, एक कान दर्द हमें गवारा नहीं, तो क्या जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर लेंगे। बदनसीब है वो इंसान जिसको फिक्र नहीं, एहसास नहीं, सोच नहीं कि पता नहीं मेरा कब्र में क्या बनेगा, पता नहीं मेरा गुजारा कैसे होगा, पता नहीं मेरा हाल वहां क्या होगा। बदनसीब तो वो इंसान है, इस जालिम को इतना भी पता नहीं कि मेरा क्या बनना है कब्र में, कैसे बिच्छू ने काटना है, कैसे मुझे सजा मिलनी है, कैसे मेरे साथ सलूक होना है। इस बदनसीब को तो इतना भी पता नहीं। काश हमें एहसास होता, काश हमें फिक्र होती कि कब्र में क्या बीतनी है। सहाबा कब्र से डरा करते थे, रोया करते थे। उस्मान इब्ने अफ्फान रज़ियल्लाहु अन्हु कब्र को याद करके रो रहे थे। पूछा क्यों, कहा कब्र पहली घाटी है, जो इससे गुजर गया वो आगे भी गुजर जाएगा, वो आगे भी गुजर जाएगा। बदनसीब तो वो है जो क्यामत के दिन उठेगा, बदनसीब क्यामत के उठेगा तो अंधा करके उठाया जाएगा। बदनसीब तो वो है अंधा करके उठाया जाएगा, बदनसीब तो वो है जिसको उल्टे मुंह कर दिया जाएगा और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिन्नार ये कुलूना या लैतना आतान अल्लाह व आतान रसूला। बदनसीब तो वो होगा वो अम्मा मनूतिया किताब बिशिमाले अल्लाह कहते हैं तुम मुस्कुराते हो इस दुनिया पे, तुम मुस्कुराते हो कुरान पढ़ के, अफा मिन हाज़ल हदीसी ताजबून तज़हकून वला तबकून। तुम रोते क्यों नहीं हो, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों नहीं बहते अपने गुनाहों पे, अपनी गलतियों पे, अपनी नाफरमानियों पे। बदनसीब है वो इंसान जो क्यामत के दिन नंगे बदन उठेगा, नंगे पांव उठेगा और उसे कुछ पहनने के लिए दिया नहीं जाएगा। बदनसीब तो वो है किताब बिशिमाली फयकूल या लैतनी लम उत किताबिया। बदनसीब किताबिया, काश बाएं हाथ में अमाल नामा मिलेगा इस गुनाहगार को और कहेगा काश मुझे अमाल नामा दिया ही ना जाता, मुझे तो हिसाब आता ही नहीं है। बदनसीब जब पसीने में डूब रहा होगा, पसीने में डूब रहा होगा, सूरज कितनी तपश गर्मी होगी, अभी जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं,
क्यामत का दिन 50,000 साल सूरज की गर्मी पसीने में डूब रहा होगा, कपड़े भीग जाएं पसीने से तो बुरा हाल, पसीने में डूब रहा होगा और कहेगा क्या, या लेता क्या न तिलका दिया, काश मैं मर चुका होता, मैं उठा ही ना होता। बदनसीब आमिलतुन नासिबा तसला नारन हामिया, दुनिया में अमल कर करके थका होगा, बिदतों का इर्तिकाब कर करके थका होगा, दुनिया के काम कर करके थका होगा, अपनी मनमानियां कर करके थका होगा, रब रब के रसूल की नाफरमानियां करके थका होगा। आमिलतुन नासिबा तसला नारन हामिया, उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। बदनसीब तो वो है जो क्यामत के दिन नेकियां लेके आएगा। दो बदनसीब नहीं भूलते भाइयों, ये दोनों हदीसें पल्ले बांध लेना। एक हुकुकुल्ला के बारे में है, एक हुकुकुल इबाद के बारे में। मुजरम हम सब है, नाफरमान हम सब है। दोनों हदीसों को याद रखना। पहले हुकुकुल इबाद की हदीस सुन लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा तदरूना मनिल मुफलस, जानते हो मुफलस कौन है? कहा अल्लाह के नबी, जिसके पास दिरहम नहीं दीनार नहीं। कहा नहीं, अल मुफलिस मिन उम्मती याती यौम अल कियामा बिसलातिन व सियामिन व कियामिन व सदका। मेरी उम्मत का मुफलिस वो है क़यामत के दिन बड़े फखर से नमाजें लेके आएगा, रोजे लेके आएगा, सदका लेके आएगा। अभी खड़ा ही होगा तो मजलूम आएंगे, अल्लाह शतम हाजा, ये नमाजी मुझे गालियां देता था, अल्लाह का जफा हाजा, इस नमाजी ने मुझ पर इल्जाम लगाए थे, अल्लाह सफा का दमी हाजा, इसने मेरा खून बहाया था, इस नमाजी ने मेरा नुकसान किया था, मेरा माल छीना था। अल्लाह कहेंगे इसकी नेकियां ले दो, इसकी नमाजें ले दो, इसके रोजे ले दो, इसका सदका ले दो। लोग ले जाएंगे, सारी नेकियां इसकी खत्म हो जाएंगी, जो नेकियां लेके आया था सब कुछ खत्म हो जाएगा। मजलूम अभी और होंगे, अभी और वो पीछा परेशान होगा, मेरे साथ क्या हो रहा है। मजलूम और आएंगे, अल्लाह कहेंगे इसकी नेकियां सारी खत्म हो गई है, अब तुम इस तरह करो अपने गुनाह इसको देते जाओ। और देखते देखते गुनाहों का ढेर लग जाएगा। फरमाया जो नमाजें लेके आया था लोगों पे जुल्म करने की वजह से, गुनाहों की गठरी उठा के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। बदनसीब तो वो है। और दूसरा बदनसीब सुनो हकूकुल्ला के बारे में, अबू दाऊद की हदीस है, मैं जानता हूं अपने उन उम्मतियों को, अल्लाह के रसूल अस्सलाम ने फरमाया, यातून यौमल कियामा, ये बदनसीब क्यामत के दिन तहामा पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी नेकियां लेके आएंगे। नेकियां, तहामा पहाड़ बहुत बड़ा था, इतनी बड़ी बड़ी नेकियां लेके आएंगे। अभी नेकियां लेके खड़े होंगे, अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसकी सारी नेकियां बर्बाद कर दो, मेरे मलाइका इसकी सारी नेकियां जाया कर दो। वो देखते ही रह जाएगा ये क्या हो रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा तो सहाबा ने पूछा, वो कौन बदनसीब है जिसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी? सोबान ने पूछा रदी अन्हो ने, आपने फरमाया नमाजें भी पढ़ता होगा, तहज्जुद भी पढ़ता होगा, बदनसीब कैसे है? एदा खलो बेमहारी मिल्ला इंतहकुहा, लोगों के सामने बड़ा नेक बनता था, लोगों के सामने बड़ा मुत्तकी बनता था, बड़ा मुत्तकी तकवा वाला परहेजगार, चूही लोग आगे पीछे होते, रब की हद्दों को तोड़ने वाला होता था, कानून तोड़ने वाला, छुप छुप के गाने सुनने का, छुप छुप के फिल्में देखेगा, छुप छुप के नशा करेगा, छुप छुप के गुनाह करेगा, छुप छुप के जिना करेगा, मुझे कोई देख नहीं रहा। इस बदनसीब की सारी नमाजें भी जाया हो जाएंगी। बदनसीब, हदीस में आता है मक्तूल और कातिल, जिसने जानबूझ के किसी को कत्ल किया होगा, क़यामत के दिन मक्तूल जो है उसने कातिल का सर पकड़ा होगा बालों से और खींच के ला रहा होगा, अल्लाह इसने मुझे कत्ल किया था, मुझे इससे बदला लेके दे।
बदनसीब वो सूद खोर होगा जो सूद खाता था दुनिया में बैंकों से किस्तों पे गाड़ियां लेके लोन लेके गुजारे करते थे। कयामत के दिल ऐसे उठेंगे जैसे पागल उठते हैं मेंटल अस्पताल के, ऐसे पागल उठेंगे। الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, ऐसे उठेंगे मिर्गी का दौरा पड़ा होता है। बदनसीब तो वो जालिम है जिसने किसी की जमीन पे कब्जा किया, कयामत के दिन वो जमीन के सात तोक इसके गले में पहना दिए जाएंगे। बदनसीब तो वो इंसान है जुल्म करने वाला ज्यादती करने वाला, बदनसीब तो वो इंसान है। इब्ने हिब्बान की हदीस सुन लो भाइयों गौर से, अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया जिसने जालिमों का साथ दिया, मन आना जालिमन, जिसने जालिमों का साथ दिया जानते हुए कि ये जालिम है, जिसने हुक्मरानों का जुल्म में साथ दिया उनके झूठ की तस्दीक की, फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं और वो मेरे हौज पे आने की जुर्रत ही ना करे। बदनसीब तो वो इंसान है जिसके सारे लीडर कायद उससे दूर हो जाएंगे क्यामत के दिन, कोई सिफारशी नहीं बनेगा, कोई काम ना आएगा, इनके सारे गुना करता था के बख्शवा लेंगे क्यामत के दिन। बदनसीब तो वो जिम्मेदार है जो ओहदे के पीछे भागता है तो उसके गले में पहनाया जाएगा। तू मांगता था ओहदे को, आज लाइनें लगी हुई है, उम्मीदवार बने हुए हैं असेंबलियों के, और सवाल होते हैं बताओ कुरान पाक के पारे कितने हैं, तो कहते हैं 33। पूछो असर की रकतें कितनी है, तो 5। ये उम्मीदवार बने फिरते हैं तुम्हारे करता धरता, ऊपर से कहते हैं सवाल ना करो बेइज्जती होती है हमारी, ईशा की रकतें पूछो तो 19। बदनसीब दुनिया के पीछे भागे, दुनिया के पीछे दौड़े, बदनसीब है वो इंसान। वो घर का सरबरा भी बदनसीब है, और घर के सरबरा हो गौर से सही मुस्लिम की हदीस सुन लो, मा मिन अब्दिन यमूतो यौम यमूतो वगाशुन लिरईयत लम यरे राहतल जन्ना। घर का सरबरा जो घर में गंद लेके आया, फाशी का अड्डा लेके आया, उरियानी का अड्डा लेके आया, खबासतों को घर में लेके आया, ऊपर से बर्दाश्त करता रहा, मना नहीं किया, रोका नहीं, अपनी ताकत के मुताबिक भी रोका नहीं, फरमाया ऐसा बदनसीब जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। बदनसीब लिकुल्लेगादरिन, गद्दार बदनसीब होगा, आदशिकन बदनसीब होगा, ज़कात ना देने वाला और खयानते करने वाले, वो जानवर उनके कंधे पे चढ़े होंगे, वो सांप उनको डस रहे होंगे, वो अजाब उनको मिल रहे होंगे। और सबसे बड़ा बदनसीब वो है जिसको अल्लाह कयामत के दिन देखना ही गवारा नहीं करेंगे, अल्लाह देखने ही गवारा नहीं करेंगे। ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह उनसे कलाम ही नहीं करेगा। ला यनज़ुरु इलैहिम, अल्लाह देखना गवारा ना करेगा। ला युज़क्कीहिम, अल्लाह उनको पाक भी ना करेगा। वो कौन है? एहसान करके जतलाने वाला, अल्लाह उसको देखना ही गवारा नहीं करेंगे। वो कौन है? मुस्बिलुल एजार, कपड़ा टखनों से नीचे लटकाने वाला मर्द। वो कौन है? अल्लाह कोले वाले दई, वालदैन का ना फरमाल, अल्लाह देखना ही गवारा नहीं करेंगे। वो कौन है? आदि मुजरम शराब पीने वाला। वो कौन है? झूठी कस्मे खा के सौदे बेचने वाला। वो कौन है? दयूस, जिसने अपने घर वालियों को बेपर्दा करवाया और बर्दाश्त करता रहा। वो कौन है? वो औरतें जो मर्द बनना चाहती हैं, मर्दों की मुशाबत करती हैं, अल्लाह उनको नजर रहमत से देखना भी गवारा नहीं करेगा। बदनसीब इनको अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों इनको पकड़ के जहन्नम में फेंक दो, जहन्नम दोज़ख आग। कभी सोचा कितनी खतरनाक है वो? अल्लाह कुरान पाक में कहते हैं कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा, आग बुझने पाएगी तो दोबारा भड़का दी जाएगी।
कुल्लमा नज़ा जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। एक चमड़ी इंसान की चल जाएगी तो दूसरी चमड़ी दे दी जाएगी। बदनसीब कोई सांप काट रहा होगा, कोई बिच्छू डस रहा होगा तो उसका मैं नई नई आनी है। बदनसीब है, मजे करते थे ना दुनिया में, मौजे करते थे, अपनी मनमानियां करते थे, अपनी मर्जियां करते थे, दिल चाहा नमाज पढ़ ली, दिल चाहा ना पढ़ी, तौबा की तरफ नहीं आते थे। मनमानियां करने वालों, जहन्नम की आग, पानी मांगेगा तो रेशा दिया जाएगा। और मुस्नद अहमद की हदीस है, सर में पानी गर्म डाला जाएगा, इतना गर्म होगा कि सर में सुराख करता हुआ पेट में पानी आ जाएगा और पेट की सारी अंतड़ियों को काट के बाहर निकाल देगा और पीठ के रास्ते कदमों में नीचे गिर जाएगा। उसका मिनमा इन सदीद सूरत इब्राहिम की आयत का तर्जमा कर जाके पढ़ लेना। पानी मांगेगा तो उसको पीप दी जाएगी, या तजर्रहु, उस पीप को गोट गोट पिएगा, वाला ये कादो ये सीगो निगल फिर भी नहीं पाएगा। वायती इल्मो तो मिन कुल्ले मकाल, चारों तरफ से मौत उसको नजर आएगी। वह माँ हुआ भी मैयत, मगर मरेगा नहीं। सुमला ये मुतफिया वाला यखिया, कब्र खतरनाक, महशर का दिन खतरनाक, अल्लाह का गुस्सा खतरनाक, जहन्नम की चीखें खतरनाक, दोज़ख की आग खतरनाक। याद है किसी को आग की कहानी, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तौगीना मआबा लाबिसीना फीहा अहकाबा। सदियों जहन्नम में रहेंगे और ऐलान होगा या हलन्नार अलखुलूद दोज़खियो, ऐलान सुन लो। वो सुनेंगे शायद बेहतरी आ गई है। ऐलान होगा जहन्नमियों, हमेशा जहन्नम में रहना। वो माहुम बेखारिजी, कोशिश करेंगे जहन्नम से निकलने की। आग लगी होगी, कब जिसम जल रहा होगा, रेशा पी रहे होंगे, थोर कांटे निकल रहे होंगे। कोशिश करेंगे जहन्नम से निकलने की, मगर निकल ही नहीं पाएंगे। वना दो बदनसीब कहेंगे, वना दो या मालिक लियक्दी अलैना रब्ब काला इन्नकुम माकिसून, दरोगा जहन्नम हमें मौत दे दो। तल्ले बिनते हसरते दाबते, कल जो हसरते करनी है, कल जो शर्मिंदगियों का इजहार करना है तो आज अकड़ क्यों नहीं जाती, आज तकब्बुर हमारा क्यों नहीं जाता, आज आजजी क्यों नहीं आती, आज नमाजों के वादे क्यों नहीं करते, आज नमाजें क्यों नहीं पढ़ते, आज दाढ़ियां क्यों नहीं माफ करते, आज बेपर्दगी खत्म क्यों नहीं होती, आज फिल्मों का बायकॉट क्यों नहीं होता, आज जुआ क्यों नहीं छोड़ते, आज सूद का बायकॉट क्यों नहीं करते, आज दावत का काम क्यों नहीं करते, आज रब के रस्ते में जिहाद के वादे क्यों नहीं करते, आज शाम के मुसलमानों को याद क्यों नहीं करते, आज मजलूमों को, अफगानियों को, कश्मीरियों को याद क्यों नहीं करते। खून बह रहा था, खाके छप रहे थे, तुहीन हो रही थी, इसमतें लुट रही थी, अक्सा काफरों के कब्जे में थी और मैं अपनी मुसलमानी लेके बैठा था। कितने आफिया, कितनी बहनें हमारे गिरेबान को पकड़ेंगे, हाथ मजलूम बहनों के होंगे क्यामत के दिन। कितने सवाल, बदनसीब वाना दो या मालिक, तरले मिन्नते करेंगे दोज़खी। आज हम तरले मिन्नत करते हैं और रब से सुलह कर लो, शैतानों से सुलह करने वालों, हर वक्त घर में फिल्में चलाने वालों, मौसीकी सुनने वालों, मोबाइल में गंद रखने वालों, रब से सुलह कर लो, तौबा कर लो, माफी मांग लो, वरना हसरते होंगी, कहेंगे रब्बाना अब सर ना बसमेना फर्जेना ना मल सालिया। अल्लाह समझ आ गई है, अब हमें मौका दे। रब्बाना अखरिजना मिन्हा, सूरतुल मोमिनून का आखिरी सफा, रब्बाना अखरिजना मिन्हा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून। अल्लाह एक मर्तबा दोज़ख से निकाल दे, दोबारा कभी नहीं आएंगे।
अल्लाह क्या कहेगा, कालक सऊफीहा वला तुकल्लिमून, जलील लोग तुम मेरे दुश्मन थे, तुम मेरे बागी थे, तुम शिरक करते थे, बिदत करते थे, नमाजें छोड़ते थे, जहन्नम में हमेशा रहोगे, अब तुम मुझसे कलाम भी नहीं कर सकते। कल्ला इन्नहा लज़ा, वो चमड़ी को उधेड़ देने वाली आंख, कहेंगे मालिक ए दरोगा जहन्नम, इतना गुस्से में दरोगा जहन्नम होगा, और सारे जहन्नमी कहेंगे लियाकद अलैना रब्बू के, एक तल्ला तो हमारा मान ले, एक दरखास्त हमारी मान। क्या दरखास्त है तुम्हारी? रब से कहो हमें मार दे, हमें मौत दे दे, ये जीना को जीना है, इतने अजाब, सर्दी का अजाब, गर्मी का अजाब, धुएं का अजाब, और वही जहन्नमी कहेंगे सारे मिलके उदु रब्बकुम युखफ्फिफल्ला यौम मिन अज़ाब, अल्लाह अज़ाब से ऐसा के थके हैं, अल्लाह बड़ा बुरा हाल हो गया है, वाशत है, सांप है, बिच्छू है, आग है, थोर कांटे नीचे आग, ऊपर आग, दाएं आग, बाएं आग, आग की कोठरियां, आग की जेलें, हथकड़ियां, आग की जंजीरें, आग की, अल्लाह थक गए हैं, और रब से कहो एक दिन की छुट्टी ही कर दे। छुट्टी मिलेगी? जब छुट्टी नहीं मिलेगी तो हम छुट्टी क्यों करते हैं फिर? हम दीन से दूर क्यों जाते हैं फिर? तौबा अब है, कल नहीं, कल आने वाला पता नहीं, मौत आ जाए, अभी तौबा, अभी माफी, अभी इस्तिग़फ़ार। हदीस सुनो इब्ने माजा की, आज जुमा का दिन है ना, इब्ने माजा की हदीस सुन लो कि जुमा वाले दिन फरिश्ते भी, आसमान भी, जमीन भी, पहाड़ भी और समंदर भी डर रहे होते हैं कहीं क़यामत ना आ जाए, और ये इंसान डरता नहीं। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा जुमा वाले दिन मस्जिद में बैठे हुए फजर की नमाज पढ़ के बड़ा जिक्र करते रहे, अपने शागिर्द से कहते हैं देख सूरज निकला है कि नहीं निकला, कहा नहीं निकला, फिर जिक्र करना शुरू कर दिया, फिर भेजा पता करो सूरज निकला कि नहीं निकला, कहा भी नहीं निकला, फिर भेजा के देखो सूरज निकला कि नहीं निकला, कहा नहीं निकला, तो आंखों से आंसू बहे, कहा देख कहीं मगरब से तो नहीं निकल पड़ा। हालत ये होनी चाहिए। बदनसीब वो नहीं है जिनके पास पैसा नहीं, दौलत नहीं, दुनिया नहीं, कोठी नहीं, जगीर नहीं, दुकान नहीं, मार्केट नहीं, परेशान ना हुआ करो गरीबों, परेशान ना हुआ करो। बदनसीब वो नहीं है जिनके पास माल नहीं। हदीस में आता है क्यामत के दिन गरीब 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। निसफियो दीनदार, बदनसीब वो नहीं है जिनके पास सहूलतें नहीं दुनिया की, बदनसीब तो वो है जिनको अर्श का साया ना मिलेगा, बदनसीब तो वो है जिनको हौज़े कौसर से पानी ना मिलेगा, अल्लाह के नबी के हाथों पानी नहीं मिलेगा। कितने बदनसीब होंगे कि दुनिया के अंदर भी अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं देख सके, क्यामत के दिन भी देखने न दिया जाए अल्लाह के नबी का मुखड़ा, चांद जैसा चेहरा, आफताब व महताब, इमामुल मुत्तकीन का चेहरा देखना चाहते हो हाथ खड़े करके, अल्लाह का दीदार करना चाहते हो तो आज के बाद इंशाल्लाह नमाजें पाबंदी से पांचों पढ़ोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज के बाद इंशाल्लाह शिरक को छोड़ोगे, इंशाल्लाह तौहीद को अपनाओगे, इंशाल्लाह सुन्नत पे अमल करोगे, इंशाल्लाह अपनी औरतों से पर्दा करवाओगे, इंशाल्लाह हक का साथ दोगे, इंशाल्लाह अल्लाह के रस्ते में जिहाद करेंगे, इंशाल्लाह दावत का काम करेंगे, इंशाल्लाह अपने मोबाइल से गाने डिलीट करोगे, इंशाल्लाह फिल्मों का बायकॉट करोगे, इंशाल्लाह सूद का बायकॉट करोगे, इंशाल्लाह जुवे का बायकॉट करोगे, इंशाल्लाह चेहरों पे दाढ़ियां सजाओगे, इंशाल्लाह कपड़े टगनों से ऊपर करोगे, इंशाल्लाह अल्लाह तू गवाह हो जा, अल्लाह तू गवाह हो जा तेरे लिए, तेरे लिए अल्लाह मेरा अपना कोई मफाद नहीं,
मैं सियालकोट से आया, अल्लाह दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए कि ये दुनिया बदल जाए, इनकलाब आ जाए, तब्दीलियां आ जाए, मुआशरा दुरुस्त हो जाए। इसीलिए प्रोग्राम करवाते हैं, इसीलिए खुतबा जुमा आज है, इसीलिए ताकि हम तौबा करें और माफी मांगे, अल्लाह से इस्तिगफार करें। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमा दे। एक ये हमारी मुलाकात है, आज आखिरी दिन है हमारा, एक मुलाकात जन्नत में हम सबकी इकट्ठी हो जाए, जन्नतुल फिरदौस में सारे इकट्ठे हो जाए। अल्लाह हम सबको अपना खसूसी दीदार नसीब फरमाए, अर्श का साया अता फरमाए, अल्लाह हौज़े कौसर से हमको पानी नसीब फरमाए, अल्लाह आप सब भाइयों का आना कबूल फरमाए, अल्लाह हमको कब्र के अजाब से बचा ले, अल्लाह जहन्नम की आग से बचा ले। बड़े भाइयों ने दुआओं की दरख्वास्त की है, बड़े भाइयों ने, अल्लाह जितने भाई इस दरस में आते रहे, अल्लाह बहनें आती रही, सबसे ज्यादा हमारी बहनें माशाल्लाह आती रही है, अल्लाह जितने बीमार हैं उनको शिफाए कामला दिलाता फरमा, अल्लाह जो मुवहिदीन वफात पा गए उनकी बख्शिश फरमा, अल्लाह जितने दुखी हैं, गमगीन हैं, परेशान हैं, घरों में जिन जादू टूना अल्लाह खत्म फरमा, अल्लाह जो मकरूज हैं कर्जे उतार दे, अल्लाह बेनमाजियों को नमाजी बना दे, अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम की मदद फरमा, अल्लाह बर्मा में, अराकान में, कश्मीर में, अफगानिस्तान में, चिचड़िया में और हमारे शाम में और यमन में, फलस्तीन में, इराक में, माली में, अलजजायर में, फलपाइन में, अल्लाह मुजाहिदीन की मदद फरमा, अल्लाह आफिया बहन को रहाई अता फरमा, अल्लाह हमारे दाखिल भाई को रहाई दे दे, अल्लाह शहीदों की शहादत कबूल फरमा, अल्लाह शहदा की शहादत कबूल फरमा, अल्लाह हमें सआदत की जिंदगी और शहादत की मौत नसीब फरमा, अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा ले, अल्लाह कब्र के अजाब से बचा ले, अल्लाह खात्मा हमारा खैर फरमा, अल्लाह हम सबको दीन हक का खादी बना। हमारे इरफान भाई, अहमद भाई, अब्दुल मजीद भाई, दीगर भाइयों ने दरख्वास्त की है, अल्लाह उनको नेक औलाद अता फरमा। अब्दुल मजीद भाई की हलिया मोहतरमा बीमार रहती है, इरफान भाई के वालदे मोहतरम, अल्लाह उनको शिफाए कामला अजल अता फरमा। हमारे हाफिज इदरीस साहब, अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान कर दे, अल्लाह उनके जामिया के लिए बेहतरीन मददगार भेज दे, अल्लाह जितने मकरूज हैं, बड़े साथी मकरूज हैं कर्जों तले दबे हुए बेचारे, अल्लाह उनके कर्जे उतार दे, अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद दे दे, अल्लाह बच्चियों को नेक बना दे, दीनदार बना दे, अल्लाह हमारी बच्चियों को, बेटियों को सालिहा बना दे, इस्लाम का लंबरदार बना दे, अल्लाह हमारे घरों में अमनो अमान का माहौल बना दे। अल्लाह पांच दिन हमारा प्रोग्राम रहा, अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो अल्लाह मुझे माफ कर देना, अल्लाह हम सब को गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह भाइयों की मेहनत कबूल फरमा, अल्लाह साथियों का आना कबूल फरमा, अल्लाह हमें इस तरह बना दे इस तरह हम आज ही पैदा हुए हैं, हमारे सारे दिल के जंग उतार दे, अल्लाह हमारी सच्ची तौबा कबूल फरमा, अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को हमारे नेकियां बना दे, अल्लाह तू गफूर है, तू रहीम है, अल्लाह रहमतों को नाजिल कर दे, अल्लाह हम सबको बख्श ले, अल्लाह हमारे दिलों को नरम कर दे, काफिरों के मुकाबले में सख्त कर दे, आपस में रहीम करीम कर दे, अल्लाह हम सबको अपना ही बंदा बनने की तौफीक अता फरमा और तौहीद व सुन्नत से वफा करने की